दो ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स जो एकदम सच्ची घटना से आधारित है। नंबर एक, लगभग 1980 के वक्त एक जापानीज महिला अपने दो छोटे छोटे बच्चे को लेकर मॉल में गई। महिला सामान खरीदने में बिजी हो गई और इसी दौरान उनकी एक बच्ची दौड़ते हुए रोड पर चली गई। अपनी बहन को रोड पर देख 5 साल का शिनोशुको उसे बचाने भागा, लेकिन इसी दौरान एक ट्रक उन दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गया। इस घटना के बाद उन बच्चों की मां लगभग पागल सी हो चुकी थी। वो अपने बच्चों की ड्राइंग एक रूम में बैठकर बनाया करती थी। बाद में इन ड्राइंग्स को एक आर्टिस्ट ने कार्टून में परिवर्तित किया और आज यही कार्टून शिनचैन के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नंबर दो, लगभग 1968 के वक्त जापान के टोक्यो में रहने वाले सतोशी नामक बच्चे को कीड़े पकड़ना बहुत पसंद था। वो कीड़ों को पकड़कर उन्हें ध्यान से बोतल से भरता और उन्हें निहारता रहता था। उनके माता पिता को लगने लगा कि बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बनेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद टोक्यो शहर के जंगल कटने लगे और वहाँ बिल्डिंग्स बनने लगे, जिससे शहर में कीड़े धीरे धीरे खत्म हो गए। धीरे धीरे सतोशी अकेले रहने लगा और कुछ दिनों बाद उसको गेम की आदत लग गई। बाद में सतोशी एक गेम डिजाइनर बने। उन्होंने अपने बचपन के आधार पर जापान की प्रसिद्ध गेमिंग कंपनी निंटेंडो से मिलकर पॉकेट मॉन्स्टर नामक गेम का निर्माण किया। बाद में इसी गेम के नाम को बदलकर पोकेमॉन कर दिया गया और आज पोकेमॉन कार्टून को कौन नहीं जानता।